हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का पोकेमोन एक्स एंड वाई के एक और नए एपिसोड में। तो जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में एनिस्टर सिटी के जिम लीडर को हरा दिया था और भाई लोग अभी अपन आ चुके हैं लुमियोस सिटी में, क्योंकि भाई अपन को उधर सेरिना मिली थी जिसने बोला था कि भाई जो लिजेंडर है वो उधर ही अपने कोई सीक्रेट टीम के साथ लड़ रहा है, मतलब कुछ इधर प्लानिंग कर रहा है। तो अपन उसके कैफे में आ चुके हैं। अपन भाई इसके कैफे में तो कोई भी नहीं है फिलहाल इधर, तो चलो अपन इस बंदे के साथ बात करते एक बार। ओके, अरे भाई ये तो टीम फ्लेयर का ही मेम्बर निकला यार, मतलब भाई इनकी पूरी ये रचाई हुई साजिश है ये। ओके, इसके पास क्राफ्टी है तो कोई नहीं, अपन इसको फटाफट हरा देते यार। तो मतलब तुम समझ रहे हो, ये मतलब सब मिले हुए लिजेंड्रे के साथ। अगर तुमको पता नहीं लिजेंड्रे कौन, तो भाई लिजेंड्रे एक बहुत बुरा बंदा है जो मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहता है सभी पोकेमॉन और सभी इंसानों को, और मतलब उसके लिए एक बहुत ज़्यादा वो खतरनाक अल्टीमेट वेपन बना रहा है। तो अभी उसको अपन देखना पड़ेगा कि भाई उसका बेस, सीक्रेट बेस कहाँ पर है। तो उसी को ढूंढने के लिए अपन इधर उसके कैफ़े में आए, और मेरे ख्याल से उसका सीक्रेट बेस इधर ही किधर होगा। तो चलो पर ढूंढते इससे। ओके, सो इसने बोला है कि इसका जो इधर ही सीक्रेट बेस है उसका, और उसका पासवर्ड है ओपन CCM। ठीक है भाई, तो अपन देखते हैं इसका बेस किधर मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि उधर देखो, तुमको जहाँ पर दिख रही होगी इसकी मतलब वही क्रॉकरी सेट इधर ही होगा। ये देखो, मेरे को पता ही था यार, क्यों देखो पूरे कैफ़े में खाली एक यही दरवाज़ा हो सकता है। अरे भाई साहब यार, क्या ही खुला यार। ओके, सो अपन को मिल चुका है इसका सीक्रेट बेस, चलो अंदर चलते अपन भाई। अभी तो मज़ा आने वाला, लिजेंडर लैब्स है। अच्छा, ओ भाई अपन लिजेंडर के पास आ चुके हैं। ओके भाई, सो अभी ये भी अपने साथ लगता है बैटल करेगा। डू यू वॉन्ट अ टिकट, ये अपन को पूछ रहा है कि अपन को टिकट चाहिए भाई, क्या पता कौन से टिकट की बात कर रहा है ये। सो चलो अभी अपन पहले तो मुकाबला करेंगे इसके साथ, और इसके पहला पोकेमॉन है मीनफू। मेरे को पता नहीं था ये भी ट्रेनर है, मतलब इसके पास भी इतने सारे पोकेमॉन होंगे, अपन होंगे ही नया है तो इतना बुरा बंदा है तो इसके पास तो बहुत खतरनाक पोकेमॉन होंगे। ओके, सो मीनफू को तो अपन ने काफ़ी डैमेज कर दिया है। वैसे अभी अपन अपने गैबाइट को इस एपिसोड में इवॉल्व कर देंगे यार, क्योंकि देखो ये गैबाइट मेरे ख्याल से लेवल 48 या 50 पर इवॉल्व होता है। तो मेरे ख्याल से अपन इसी एपिसोड में अपने गैबाइट को लेवल 48 का तो कर ही देंगे, और भाई अपना गैबाइट गार्चोम में बन जाएगा फिर इवॉल्व। ओके भाई, बंदा निकाल रहा है गैराडोस को, तो अपन निकालेंगे पिकाचू को। सो उसका गैराडोस बाहर आ चुका है, सो अपना पिकाचू मारेगा अभी इसको। क्या मारेगा? ठंडा बोल, चलो मारते हैं इस पर, देखते मरता है कि नहीं मरता ये बंदा। पर इसकी लेवल ज़्यादा है ना, 49 है। अरे भाई साहब, अपना भी तो 49 ही था, फिर भी इसने अपन को पूरा एक्वाटेल से डैमेज करके पूरा मार दिया। अरे सो अभी अपन को मेरे ख्याल से निकालना पड़ेगा, और किसको निकाला अभी अपन? अभी चलो निकाल देते अपन लुकारियो को निकाल देते, बाकी तो सारे ज़्यादातर पोकेमॉन अपने पास फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ही है। सो अभी अपन इस पर यूज़ करते पावर पंच। अरे यार गलत मूव यूज़ करते लगता है। अरे भाई साहब, बंदे ने अर्थ यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं, अपन सभी को अपने जो पिकाचू और लुकारियो को बाद में रिवाइव करके पोशन देकर इनको हील कर देंगे। फिलहाल तो अपन इस गैराडोस को मारना है अपन को। सो भाई इस यूज़ करेंगे अपन एक्स्ट्रा सेंसरी, मार दे भाई ग्रीन निंजा यार। ओके नाइस, मरना ही था यार, एक ही तो एचपी बची थी इसकी। देखते हैं भाई इसका भी दूसरा पोकेमॉन कौन से, पायरोड को भेज रहा है। तो पायरोड तो एक फायर टाइप पोकेमॉन है, तो मेरे ख्याल से ग्रीन निंजा आराम से इसको हरा देगा। सो भी अपन ट्राई करेंगे सर्फ का, और भाई ये मारे इसने सर्फ। ओके नाइस, वन शॉट हो गया ये पायरोड तो। बस इतने ही पोकेमॉन थे या फिर एक और बचा है इसका, देखते जरा। ओके लास्ट पोकेमॉन मेरे ख्याल से इसका मर्क्रो है, तो मर्क्रो तो शायद एक डार्क टाइप पोकेमॉन है। सो चलो एक बार देखते इसको मारते अपन, सर्फ यूज़ करते इस पर। ओके नाइस भाई, 1 HP पूरा वन शॉट हो गया ये तो। और अपने टैलेंट अब लेवल 51 का हो चुका है, बढ़िया यार। और भाई अपने लिजेंड्रे को हरा दिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। योर कन्विक्शंस एंड दोज ऑफ योर पोकेमॉन यू आर हियर टू स्टॉप मी, बट आई आस्क यू टू वेट। अच्छा भाई, ये तो मतलब अपनी बात पर लगा हुआ है कि मतलब इसको सभी को ख़त्म करके मतलब बहुत ज़्यादा अल्टीमेट वेपन बनाना है, और भाई उस अल्टीमेट वेपन को बनाने के लिए भाई ये सब मतलब चीज़ें चुरा रहा था। जैसे कि तुमने पिछला एपिसोड देखा हो तो भाई पिछले एपिसोड में इसकी टीम इलेक्ट्रिसिटी को चुरा रही थी, और भाई अभी बोल रहे हैं कि अगर तुमको ये एलिवेटर यूज़ करना है तो इसके लिए तुमको की लगेगी, जिसको की और जिस की को पाने के लिए मतलब अपन को सभी इसके मेम्बर्स के साथ तरना पड़ेगा, तो उनमें से मेम्बर्स में से कोई अपन को की देगा। तो भाई ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। देखो इधर एलिवेटर की है, और मेरे ख्याल से इधर ही मतलब ये अल्टीमेट वेपन बना रहा है। तो कोई नहीं, अपन फटाफट इन लोगों से लड़ लेते हैं। अपन मैं सभी का तो बैटल नहीं दिखाऊंगा, जो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया अपन उनके बैटल दिखा देंगे। तो अभी एक बंदा पहला है, तो उसके पास सोलोट है, तो सोलोट को अपन फटाफट अपना गबाइट डिक से मार देगा। वैसे मैंने अपने गबाइट को सबसे आगे रखा हुआ है, ताकि क्या होगा इसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर अपन दूसरे पोकेमॉन भी यूज़ करेंगे फिर भी इसको ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे थोड़े थोड़े।
सो अभी अपन एक बार इस पर फिर से डिग यूज़ करते हैं। भाई बंदा मर जाता, सही है। ओह ये कोई मूव है स्टॉक पायर। ओके इसने अपनी एचपी पूरी की पूरी रिगेन कर दी है। अरे भाई साहब ये तो अभी प्रॉब्लम हो गई अपनी। कोई बात नहीं, अब की बार अपने गैबाइट ने ज़्यादा डैमेज किया इसको। सो अभी अपन मेरे ख्याल से अभी अपन को डिग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन करेंगे स्लैश करते और मर जाएगा मेरे ख्याल से वॉलोट। ओके नाइस, तो सोलट का काम तमाम हो चुका है। ओके लुका जो हिल पल्स सीख रहा है तो इसको हिल पल्स सिखा देते अपन। मैंने मी फर्स्ट को डिलीट कर दिया है और हिल पल्स सिखा दिया अपने लुकारियों को। और भाई इसका बंदा हार चुका है और अपन जीत चुके हैं। तो चलो अभी अपन इधर से फटाफट निकलते हैं और भाई अपन देखते हैं भाई कौन देगा अपन को एलिवेटर की की। तो उस की को ढूंढने के लिए भाई देखते हैं भाई किधर जाना पड़ेगा। ओके इधर एक पोर्टल टाइप है। ओके नाइस इधर आ चुके अपन। ओके सो अभी मैं बहुत लोगों से तो भाई लड़ लिया पहले से और अभी अपन इधर आ चुके हैं जहाँ पर भी अपन को ये दो बंदे दिखे। अगर तुमको पता हो तो पिछले एपिसोड में देखा हो तो भाई ये दो बंदे तो अपने दोस्त ही है। ये भी मतलब इन टीम फ्लेयर को मतलब मजा चकाने का या कह लो इनकी मतलब ये स्पाई का काम करते एक तरह से। ये देखो भाई ये भी इसी काम के लिए इधर आया है, अल्टीमेट वेपन कौन सा है उसको ढूंढने के लिए। और भाई अपने भाई लोगों ने अपन को रिवाइव दे दिए। भाई बढ़िया यार, अभी अपन अपने सारे पोकेमोन को रिवाइव कर देंगे। भाई दो तीन पोकेमोन अपने मर चुके हैं बेचारे लड़ लड़ के। भाई कितने लोगों से तो लड़ लिया है अपन लोग। ओके सो एक बार इनसे बात करते अपन। ओके ये भी लेजेंडर के बारे में बात कर रही है। ठीक है भाई मतलब टीम फ्लेयर के प्लान के बारे में ही जानना चाहते ये भी लोग भी। सो भाई देखते अभी अपन इधर से कैसे निकले। एक तो भाई इधर पजल टाइप बहुत है तो जिसके वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ओके इधर एक रास्ता देखते भाई, अपन तो रास्ते के फ्लो में जाते रहेंगे। इस बंदे के साथ मेरे ख्याल से लड़ना पड़ेगा अपन को। शेट यार चलो कोई नहीं, लड़ लेते इससे भी। दो पोकेमोन है ना इसके पास तो कोई नहीं, अपन फटाफट निपटा देंगे इसको तो। ओके सो अभी अपन यूज़ करते हैं डिग। वैसे डिग की खाली एक ही डिग बचा है, मतलब इसकी जो पीपी है खाली एक ही बची है। चलो भाई कहा के भाई इतना गड्ढा खोद दिया है। और भाई ओके पूरा फिनिश आउट तो नहीं हुआ है तो अपन ड्रैगन क्लो ट्राई करते हैं इस पर। ड्रैगन क्लो ट्राई किया और नाइस लियोपार्ड फेंट हो चुका है। बढ़िया यार माइटियाना भेज रहा है बंदा। ओके सो माइटियाना को मारने के लिए अपन निकालते हैं लुकारियो को। तो चलो लुकारियो बाहर आ चुका है और उसका माइटियाना भी बाहर आ चुका है। सो अभी अपन मेगा बॉल करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और स्प्रे से अपन उसको मार देंगे फटाफट। ओके नाइस बढ़िया यार, ये बस नॉर्मल टाइप हो गया, नॉर्मल टाइप पोकेमॉन इसलिए भाई सुपर इफेक्टिव हुआ अटैक इसका अगर तुमको पता नहीं हो तो। सो चलो यार अभी अपन फटाफट ढूंढना पड़ेगा यार, अपन को की ढूंढनी है। तो इधर एक मेरे को एक और इधर मिला है तो इधर जाकर देखते हैं अंदर। ओके सो भाई इस रूम में तो ये दो टीम फ्लेयर के मेंबर्स है तो मेरे ख्याल से इनसे भी अपन को लड़ना पड़ेगा। तो चलो यार इनको भी फटाफट निपटाते हैं भाई लोग। ओके भाई निकाले इन्होंने केलोसिया, केलोसिया और पता नहीं दूसरा का नाम क्या था। इस बंदी के पास मैनेक्ट्रिक है ना, तो मैनेक्ट्रिक को मारने के लिए अपन ट्राई करते ड्रैगन ग्लो का। अरे भाई मैनेक्ट्रिक ने फ्लेम थ्रोवर सीखा हुआ है, अरे बढ़िया बात है यह तो। कोई नहीं पर यार ये बंदे इसने अच्छे नहीं किया, अपन को पैरालाइज कर दिया इस बंदे ने। सो भी अपन को निकालना पड़ेगा टायरेंटम को निकालना पड़ेगा। वैसे अपने टायरेंट के पास अर्थक्वेक अटैक है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी अपन को। ओके भाई बंदा फ्लेम थ्रोवर यूज़ कर रहा है फिर से, अपन ट्राई करेंगे अर्थक्वेक का। नहीं चलो पहले क्रंच करते। अरे भाई बंदे यार इसने अपने टायरेंटम को भी पैरालाइज कर दिया है, मन कोई नहीं चलो टायरेंटम अटैक कर रहा है ये अच्छी बात है। ओके भाई देखते हैं इसका सेकंड पोकेमॉन कौन सा है। अपने सारे पोकेमॉन भी लेवल अप हो चुके हैं, बढ़िया बात है। अपन बेचारा अपना गैबाइट पैरालाइज हो चुका है और टायरेंटम भी पैरालाइज है। ओके ड्रैपियन है ना, तो ड्रैपियन पर चलो अर्थक्वेक करते हैं अपन डायरेक्टली। नाइट स्लैश कर रहा है बंदा, ठीक है कोई बात नहीं अपन अर्थक्वेक करते और ओके थोड़ी सी एचपी बची है इसकी। सो अभी अपन फिर से करेंगे इस पर क्रंच एक बार। ओके नाइट स्लैश के इस बंदे ने अपन करेंगे क्रंच और बढ़िया यार ड्रैपियन तो फेंट हो चुका है और अपना टायरेंटम लेवल 52 का हो चुका है। अरे एक बार गैबाइट इवॉल्व हो जाए ना गार्चोम में फिर मज़ा आएगा यार, क्योंकि जो गार्चोम लगता है ना भाई क्या ही मस्त लगता है। ओके सो इसकी सेकंड बंदी है ब्रियोनी, ब्रियोनी पता नहीं क्या नाम है ब्रायोनी, उससे लड़ते इसके पास भी लेपर्ड ही है। इन ज़्यादातर टीम प्लेयर के मेंबर्स के पास ज़्यादातर तो या तो लेपर्ड हो गए या स्वराट हो गए या फिर वो टॉक्सिकर हो गए या फिर वो हाउंडूम, बस इनकी मेन पोकेमॉन्स मेरे ख्याल से यही है, इनकी मेन लाइन पोकेमॉन यही है। मतलब टीम फ्लेयर तो ज़्यादातर फायर टाइप पोकेमॉन और डार्क टाइप पोकेमॉन ही रखती है मेरे ख्याल से, और ज़्यादातर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन भी रखती है। सो एनीवेज अपन अपने लुकारियो को मेगा एवॉल्व करते हैं भाई फटाफट और भाई मारेंगे इस लेपर्ड को। और अपना लुकारियो तो हो चुका है मेगा एवॉल्व और भाई मार रहा है
पल्स ओरा पल्स क्या था ओरा स्पर क्या नहीं जी क्या बोल रहा हूँ ओरा ओरा मार्केस को ख़त्म कर दिया है। ओके बिशाप निकाल रही है भाई, बिशाप भी काफ़ी सही पोकेमोन है। सो अपन इस पर यूज़ करेंगे बोन रश का करते, क्योंकि भाई फाइटिंग टाइप मूव्स इतने इतना इफेक्टिव नहीं होंगे, ग्राउंड टाइप ही इफेक्टिव होंगे इस पर तो। ओके सो इसकी एच पी भी काफ़ी लो कर दी अपन ने इसकी, सो भी अपन फिर से इस पर करते बोन रश अटैक। और भाई बढ़िया यार, मर गया, बढ़िया बढ़िया भाई, अपन हरा दिए। देखते हैं अपन को इनों से की मिलती है कि नहीं मिलती, या फिर किसी और से अपन को ढूंढनी पड़ेगी की एलिवेटर की। नहीं यार ये लोग भी अपन को की नहीं दे रहे, मतलब ये तो ऐसे ही मतलब फालतू मेरे रक्षा कर रहे थे पावर प्लांट की। नहीं ये बोल रहे कि पावर प्लांट से इसलिए इन्होंने बिजली चुराई थी क्योंकि इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अच्छा और भाई जो रूट 10 पर जो स्टोन्स रखे हुए हैं वो मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी इनके लिए, इनके अल्टीमेट वेपन बनाने के लिए। तो एक बार रूट 10 पर जाकर भी देखेंगे अपन अगली वीडियो में, वो अपन सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो अपना मेन काम है वो एलिवेटर की ढूंढने का है। तो चलो यार इधर भी अपन को कुछ नहीं मिला यार, तो अपन इधर से भी बाहर निकल जाते हैं फटाफट, इससे भी बात कर लेते ज़रा। तो चलो यार इधर से बाहर निकल जाते अभी फटाफट। तो यार अभी फिर से अपन को रास्ता ढूंढना पड़ेगा कुछ अच्छा सा। पहले तो भाई रिवाइव करता हूँ मैं अपने गिबाइट को, क्योंकि भाई इसको भाई ये रिवाइव करके रखना पड़ेगा, क्या पता ये तो इवॉल्व नहीं होगा भाई अपना बंदा। जब तक लेवल 48-50 का नहीं होगा तब तक अपन को इसको एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते रखना है भाई। सेव कर लेते हो फटाफट गेम, क्योंकि भाई बहुत अभी बहुत लोगों से लड़ लिया, फालतू में कुछ हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। सो भाई इधर से अपन देखते भाई कैसे निकले। अरे भाई ये तो बहुत ज़ोरदार रास्ता था, कोई नहीं अपन इधर आ चुके अभी इधर। सो इधर एक मेरे ख्याल से एक बंदी दिखी है, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट बंदी होगी यार, क्योंकि इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। ऑन योर लंसम दिस टाइम, ओ डेट्स कोल्ड, कोल्डर देन इवन। अच्छा ओके ये भी भाई उनकी मेंबर है टीम फ्लेयर की। ओके इसके पास है हाउंडूम है, तो हाउंडूम को भी मारने के लिए अपन निकाल का कर क्या यूज़ करें। चलो देखते हैं, ग्रीनिंजा निकाल लेते हैं। चलो बढ़िया अपन ने ग्रीनिंजा निकाल दिया है, और अपना ग्रीनिंजा बाहर आ चुका है। चलो इस पर सर्फ यूज़ करते अपन। ओके भाई हाउंडूम तो मर चुका है पूरा का पूरा, और अपना गेबाइट लेवल 48 कर चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से फाइनल इवॉल्व हो जाएगा गेबाइट। और अभी मेरे ख्याल से यही अपन को देगी यार एलिवेटर की। टायरेंड्रम को हॉर्न ड्रिल सीखना है अपन, रेंज देते हैं इसके पास सारे अच्छे अटैक ही अपना है टायरेंड्रम के पास। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन इसका वीवाइल है, तो वीवाइल के लिए मेरे ख्याल से अपन को निकालना पड़ेगा चारिज़ार्ड को। तो चलो यार चारिज़ार्ड को निकाल देते हैं, पर एक बार ट्राई करते एक्स्ट्रा सेंसरी। ओके इस पर इनफेक्टिव है, तो भाई अपना ग्रीन निंजा मर जाएगा। इससे पहले अपन निकाल देते अपने चारिज़ार्ड को। ओके भाई चारिज़ार्ड फटाफट बाहर निकल जा, और भाई चारिज़ार्ड बाहर चुका है अपना। ओके बढ़िया यार, नॉट वेरी इफेक्टिव अटैक था ये तो। इस पर भी अपन ट्राई करेंगे फ्लाई, पर वैसे मेरे ख्याल से आइस टाइप पोकेमॉन है तो अपन को फ्लेम थ्रोअर डायरेक्टली करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं फ्लाई करके देखते। ओके भाई बहुत कम एचपी बची यार इसकी, मेरे ख्याल से फ्लेम थ्रोअर करते तो पूरा मर जाता एक ही शॉट में, पर कोई नहीं अभी मर जाएगा ये। ये देखो भाई पूरा फेंट हो चुका है वीवाइल, और भाई अपना ग्रीन निंजा लेवल 55 का हो चुका है, बढ़िया यार। ओ जीत गए अपन इससे, और भाई अपना गेबाइट हो चुका है भाई, हो चुका नहीं है अपना गेबाइट फाइनली इवॉल्व हो रहा है गार्चोम में। अरे वाह, अरे बढ़िया यार, क्या लग रहा है बंदे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरे इसके पैर और हाथों पर देखो कैसे कांटे आ जाते हैं, और इसका हाथ भी वैसे कांटे वाले ही है, पर जो लगता है ना भाई काफ़ी जोरदार लग रहा है ये। मैं सोचूं अपने गार्चम को भी और मेगा इवॉल्व करने का ट्राई करेंगे, इसके लिए अपन को स्टोन ढूंढना पड़ेगा। तो देखते वैसा स्टोन कहाँ पर मिलता है अपन को, फिर अपन करेंगे अपने गार्चम को भी मेगा इवॉल्व, फिर मज़ा आएगा यार। गार्चम मेगा इवॉल्व होगा तो भाई क्या ही लगेगा। सो तो अपन की बात आने देखेंगे।